हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस मिशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है 800। इसमें जो पदों का विवरण है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 42 पद, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के 77 पद, सब रजिस्टर के 603 पद और पुलिस सब इंस्पेक्टर के 78 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षण योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो संबंधित विषयों में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री रखता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। पद के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 394 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को 294 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के 132 पद, इंजीनियर असिस्टेंट के 123 पद, जूनियर स्टोर असिस्टेंट के 3 पद, स्टोर असिस्टेंट के 9 पद, जूनियर लैब असिस्टेंट के 18 पद, लैब असिस्टेंट के 18 पद, जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट के 6 पद और क्वालिटी असिस्टेंट के 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो 30, 35 और 40 वर्ष पद के अनुसार उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। पद के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। इस फॉर्म को पहले भरने की जो अवधि निर्धारित की गई थी वो 24 मई 2022 निर्धारित की गई है, जिसे अब बढ़ाकर 3 जुलाई 2022 किया गया है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है तमिलनाडु सिविल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, रिकॉर्ड क्लर्क के 159 पद, असिस्टेंट के 189 पद और सिक्योरिटी के 179 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्कूल से 12वीं और स्नातक पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है।
पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेकर विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।